जो ये प्लान कर रहे थे बिल्कुल सही प्लान है एकदम। ये आ गए हम, ठीक है अब चाहिए बड़ी गाड़ी। भाई मैं अभी LC लेने का प्लान बना रहा हूँ। खुशी देखो खुशी, इनको लगेगा कोई हवाला से मेरे को पैसे भेज रहा है, सच बता रहा हूँ मैं। तो गाइस हम घर से निकल चुके हैं, अब चलते हैं बनारस। और फाइनली मैं सही हूँ एकदम, जो ये प्लान कर रहे थे बिल्कुल सही प्लान है एकदम। अरे जोहानी हाँ। तुम्हारी कबर कौन खोद रहा है भाई? ये देखो भाई, ये तो दो लोगों की लग रही है। अच्छा साथ में प्रिंस भी जा रहे हैं। पानी से गलती हो भाई। ये आ गए हम उसी जगह जहाँ की प्लानिंग चल रही थी। मैं नहीं मानता। अरे भाई साहब, पर ज्यादातर जिसका भी देख रहा हूँ ना, बैक साइड कुछ नहीं गया है। देखो आगे का टूट के रुक गया। मुझे किसी ने बोला था फॉर्च्यूनर के बम्पर उम्पर का साला जाता है तो बस आगे का ही जाता है। फुल टायर और जब ठीक है, ये यहाँ बीच में लाके किसने खड़ी कर दी? पूछा किसी ने? ये भाई लेजेंडर है। ये भाई सिग्मा वाली फॉर्च्यूनर है। और दोनों में से कौन सी वाली घर जा रही है? वो जा रही है। गजब बेइज्जती है। चाचा मेरे को पता है कौन सी गाड़ी मेरे को चाचा ये दिलाने के चक्कर में इन्हें वो। मैंने कहा कि चाचा मुझे टैक्सी वैक्सी चलवाओगे क्या? टैक्सी क्या, मंत्री वंत्री पॉलिटिशियन रखते हैं। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं हूँ बहुत सिंपल आदमी। मैं बस फॉर्च्यूनर लेता हूँ। वरना को छोड़ दो यही, ठीक है अब चाहिए बड़ी गाड़ी। ये आईफोन वाला हिसाब है इसका, ये ज्यादा चेंजेस नहीं करता, लेकिन ये बोलता हमारे इंजन की चौड़ाई है। अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जल्दी रिवील होगा। आज लेके तो कुछ ना कुछ जाएंगे, हिसाब किताब तो हो ही रहा है। पर ये लेजेंडर थोड़ी ऊंची है उससे। ऊंची नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस कितना? इतना। ये कौन सा तरीका है नापने का? बराबर है। आपकी जो घर पे जो खड़ी है फॉर्च्यूनर, वो भी तो इसी साइज की है। इंटीरियर सेम यही है मेरा, इंटीरियर सिर्फ लेजेंडर में रेड आता है सीट्स के साथ मेरे पास भाई। और मुझे उसका इंटीरियर पसंद है क्योंकि वो ब्लैक में थोड़ा वो रहता है। क्यूआर कोड पहले रख दिया लोगों ने। अरे मैं यही देख रहा हूँ, क्यूआर कोड पहले रख दिया पेमेंट के लिए। बहुत बढ़िया, खुशी देखो खुशी। 30 सिग्नेचर है। आज सही ऑटोग्राफ देने सीख जाओगे। अगर पहले पता होता इतने सिग्नेचर है, स्टैम्प बनवा के ले आते थे। गुड़गांव से अंगूठा लगा। अब पता चला गांव में जड़ी जमीन हड़पना आसान क्यों होता है। सिग्नेचर होता तो बड़ी दिक्कत होती। क्या अभी और करवाएंगे? कोई बात बुरी लग गई क्या? वेट 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 अभी और है। सिग्मा या बेसिक भी लोग है ना, तो अब तो बाहर से लेजेंडर किट हो जाता है, उनकी फेवरेट है। तो मैंने कहा अब किसके चक्कर में, तो कह रहे कि भाई मैं अभी LC लेने का प्लान बना रहा हूँ। हाँ तो कितना टाइम लगता है? 2 साल की वेटिंग है। हाइब्रिड की जितनी कार है ना आउट ऑफ इंडिया, मतलब हाइब्रिड का सिर्फ एक प्लान है ना जहाँ से बनती है कार। वो हाइब्रिड है क्या सामने? वो टोयोटा हाइब्रिड आ गई, इनोवा में हाइब्रिड आ गई, फॉर्च्यूनर हाइब्रिड आने वाली है। पर भाई अगर तुम लैंड क्रूजर चला रहे हो ना, पर आप तो फॉर्च्यूनर चलाओगे। दिवांशु जी हाँ। शाम को 7 बजे मैंने फोन किया नंबर से, उससे माहौल कह रहा था। हेलो कौन? हाँ। सर वो गाड़ी लेनी थी। कौन? सर वो अवनीश बोल रहा था, वो यूट्यूबर। हाँ अवनीश जी। अगर सोचो मैं ये बोल देता सर हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपको क्रेडिट कार्ड भाई तो गाली बजे। अरे मेरे घर की कितनी गाड़ियों की डिलीवरी यहाँ से हुई है। जेन्युइन बहुत गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। हाँ वो जो वो मैं चाचा को बता रहा था ना, एक बार डिलीवरी पे चाबी के साथ तुलसी का गमला दिया था। बोल रहे थे कि गमले मिलते रहते। मेरे पापा बहुत चिल्ला आदमी, पापा पता कैसे, चलो आओ थोड़ा गाड़ी गुड़ी देख ली जाए। ऐसे रणबीर कपूर ढूंढ रहा था अपने पापा को फिल्म में। हम तो बॉन्ड नहीं दिखा पाते ना भाई, हम थोड़े वो तो भाई बाप के आगे सिगरेट भी पी लेता था, वैसे हम पीते नहीं लेकिन। तो गाइस अभी तो गाड़ी का पूरा प्रोसेस डन कर दिया गया है, हमारे साथ सर जी बैठे हैं। अभी हमें फॉर्च्यूनर की बात ही चल रही थी, सर तो हमें हाइलक्स देने लग गए। हाइलक्स बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है इनकी प्रोफाइल को सूट भी करेगी। तो आई होप नेक्स्ट वीक कम सूट भी हाइलक्स। किसके पेपर साइन हो गए अभी? तो डालने के लिए तो चाह रहा हूं उसके भी पेपर साइन कराएंगे। सर आप थोड़ा सा ज्यादा दुआ कर दो ना, पैसे कमा लूं लैंड क्रूजर का। मैं बोल पाऊं भाई वेलफेयर कितने की होगी तुम बताओ? वेलफेयर कितने की होगी ये वाली? हां लगेगा 70 पता ना सर। 1.25
हाइब्रिड का मतलब तुमको पता क्या होता है सर? एक बार तुमको हाइब्रिड बेसिकली क्या है ना, वो डुअल मोड पे इन्होंने काम किया। एक तो एनवायरनमेंट में कोई भी आपका ना पोल्यूशन क्रिएट ना हो, साथ में उन्होंने ना बैटरी को एड ऑन किया है ताकि फ्यूल हमारा कंजम्पशन कम हो जाए, आपकी माइलेज इम्प्रूव हो जाए और नॉइज कम हो जाए अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक मामले में खराब होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती है लिथियम बैटरीज जो एनवायरनमेंट के लिए खराब होती है, और आगे चल के उसको भी तुमको डिस्पोज करना पड़ेगा एनवायरनमेंट में। लिथियम बैटरी का भी कोई वो नहीं है। हाँ। पर भाई जो इंजन की आवाज है ना, जो अभी जैसे थार भी वही कर रही है, थार ईवी ला रही है, फॉर्च्यूनर में ईवी आ गई ना भाई, परेशान हो जाएंगे। फ्यूचर है ईवी पर वही है, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा। इंजन की आवाज भी तो होनी चाहिए, इनको लगेगा कोई हवाला से मेरे को पैसे भेज रहा है। सच बता रहा हूँ मैं भाई, EMI कटवा रहा हूँ, EMI की पर्ची दिखा दी है, ये बना हुआ है, इस पे थोड़ी दिखाना है। अच्छा। तो बता रहा हूँ मैं गरीब हूँ। चलो भाई तो डिलीवरी में मिलते हैं सीधा। लाइक फादर रिलैक्सर फ्री है भाई, 5 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे। क्या बात कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस फ्री है, ये मेरे लिए क्या? एक्सरूम गाड़ी आप आओ, ऑन रोड लेके जाओ। सेम फॉर्च्यूनर वाला इंटीरियर सब कुछ सेम है, ये 4x4 है। है तो सेम ही, इसका रूप भी आता है, अगर बनारस से हाईलक्स लेना चाहता है तो भाई 5 लाख का मेरे नाम पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, नीरज जी आपको दे देंगे भाई। बिल्कुल सीरियस, जो शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस सब कुछ 5 लाख रुपए माफ, ये गाड़ी मिल जाएगी। और मेरे बस की होती तो अभी भाई एक गाड़ी के साथ ये भी ले लो, मिलेगा ये वाला घर, मतलब घर पे जो 7-8 सारे गमले हैं तुलसी के, वो सब गाड़ी ले ले। वो टोयोटा की देन है। ये अच्छा, ये पूरा बंद हो, तो आप डिलीवरी पॉइंट पे जा रहे? जी। तो इस पे बोलना, बताओ भाई मैं आपको हर 3-4 महीने में डिलीवरी दिखाता रहूंगा घर में घर आऊं तो मतलब मैं सही था ना? आप सही थे, ले लिया है ना घर वाले? ले रहे भाई, मैं कहां ले रहा हूँ? आप ही ले रहे हो? नहीं नहीं, घर वाले ले रहे हैं। सच में घर पे रहेगी ना? कोई नहीं ले तो, हाँ मतलब घर वाले ले, मैं ले एक ही बात है ना। तो इसका मतलब भी मैं ये समझूं कि अगर घर वाले ये ले रहे तो घर वाली फॉर्च्यूनर फिर गुड़गांव आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसमें कराते हो चेंजेस तो आप क्या करा सकते हो? आप लेजेंडर बना सकते हो, लेजेंडर किट लगवा सकते हो। हाँ, हाँ। लेजेंडर किट के बाद आप सिर्फ रैप दिखा सकते हो, वो करा सकते हो, ओवरऑल चेंजेस नहीं। जो मेरे पास 2 फॉर्च्यूनर में से एक और फॉर्च्यूनर पड़ी है भाई, वो भी मेरे दिल के करीब है, तो वो भी फॉर्च्यूनर। बेसिकली ये प्लान है कि अगर ये ले जाते हैं तो प्लान करेंगे भाई इसमें क्या मॉडिफिकेशन करानी है, और नहीं तो घर वालों को पुरानी जो बाहर लगाने तो ले जाएंगे ना फिर पापा। घर वालों को पुरानी चीज देख, नई लेना भी अच्छा नहीं लगा, देख लेके क्या। मैं कह रहा हूँ ये पहला लौंडा मैंने देखा है, नई गाड़ी खरीद के घर पे छोड़ रहे हैं, पक्का फिर ले जाओगे ना वो फॉर्च्यूनर? अगर फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हो तो हाँ भाई, प्लान कर रहा था फॉर्च्यूनर। बाबा ले चलते हैं उसे, मेरी बात मानो। पूछना है ये हाँ। भाई, आप कमेंट में बताओ कि अगर आपको मॉडिफिकेशन देखनी है तो भाई इस पे वो मॉडिफिकेशन कम हो पाएगी, क्योंकि नई गाड़ी है। मैं इसको देखो अभी नई गाड़ी है, मैं उसको कहीं ना कहीं घर लेके जाऊंगा, घर लेके जाके भी भाई मैं उस पे कितना मॉडिफिकेशन कराऊंगा? कोई भी अपनी नई गाड़ी बेसिक मेरे हिसाब से ग्रिल नई गाड़ी 4 महीने हो गए गाड़ी को, ज्यादा उसने PPF कराया होगा। वही अगर भाई मैं चेंज इन प्लान्स में तो भाई मैं अगर मैं तुमको क्लियर बताऊं तो फिर ये तो यार है, अपनी पुरानी गाड़ी को सेम टू सेम इससे और इससे बेटर भी बना सकता हूं। ये तो घर पे डिस्कस कर लेंगे। टिकट बुक नहीं हुई अभी तक वैसे फ्लाइट की, तो देख सकते हैं एक्सप्रेस वे भी बन चुका है मतलब। तू अरे चालाक ब्रो, चॉकलेट्स दिए इन्होंने। अच्छा मीठा हो जाए कुछ, आपको खाना बाबा? समोसा मंगाए, चॉकलेट कौन खाए? वक्त बॉयज पार्टी विद बॉयज, लेजेंड्स पार्टी विद चाचा एंड डैड्स। बाबा मैं ये सोच रहा हूँ अभी फॉर्च्यूनर की डिलीवरी ली है और हम खुश है कि हम 5 रुपए वाला समोसा खा रहे हैं मस्त एकदम ताजा। भाई गुड़गांव के टेस्ट और यहाँ के टेस्ट में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, मैं बोलता हूँ खास्ता लग रहा है एकदम समोसा। वो बाबा वो गाने पार्टी हो रही बहुत भयंकर पार्टी के गजब न जाए। देखो शुद्ध भाषा में कृपया लैटिन ना करें। फॉर्च्यूनर की दुकान खोल के बोल रहा हूँ कृपया गाड़ी ना खरीद। उस पुराने वाली फॉर्च्यूनर को ले चलो, उसमें दबा के मॉडिफिकेशन करेंगे, ब्लॉग पे ब्लॉग बनाएंगे, क्या बोलते हो? मैं आपको ये बोल सकता हूँ ना भाई, तुम यहाँ पे ऐसा हिसाब है कि घर पे भोलेनाथ की कृपा से है गाड़ियाँ, तो तुम भाई मुझसे इनोवा का वो ना इनोवा अरे मैं कह रहा हूँ कि इनोवा मांग लो, कि इनोवा की वो
इन सारे घर पे भाई गाड़ियां पड़ी रहती है, इट्स जस्ट दैट कि ये मेरा घर है, वहां मैं काम करता हूं, तो मैं भाई वहां पे 10 गाड़ी ले जाके ये दिखावा नहीं होता कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं मेरे घर पे। बिल्कुल 10 गाड़ी मत ले जाओ, एक गाड़ी ले जाओ फॉर्च्यूनर।